आज का हमारा टॉपिक है डिजीज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो चलिए शुरू करते हैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इज अ ग्राम पॉजिटिव लैंसेट शेप बैक्टीरिया। तो अब जो ग्राम नेचर है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का, वो है ग्राम पॉजिटिव इन नेचर और है लैंसेट शेप। अब लैंसेट शेप मतलब हमने तो पहले सुना है कोकाई शेप, रॉड शेप और स्पाइरल शेप। अब ये लैंसेट शेप मतलब, यहाँ पे एक कैंडल इमेजिन कीजिए और उसकी फ्लेम जल रही है, ऐसा समझिए। जो फ्लेम का शेप होता है ना, एक साइड में राउंडेड और एक साइड में पॉइंटेड, उसी तरह का शेप होता है ये लैंसेट शेप। ओके, इनिशियली इट वॉज क्लासिफाइड एज डिप्लोकोकस एंड फर्दर रिक्लासिफाइड एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो अब शुरुआत में जब इस बैक्टीरिया को नाम दिया गया था तो दिया गया था डिप्लोकोकस, क्योंकि तब जो ऑब्जर्वेशन था वो था दो कोकाई के सेल्स एक साथ देखे जाते थे, इसलिए इसे कहा गया था डिप्लोकोकस। बट जैसे ही आगे स्टडीज बढ़ते गए, इसका नाम बदल दिया गया, इसे रिक्लासीफाई किया गया और उसका नाम रख दिया गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स थे डिप्लोकोकस के और स्ट्रेप्टोकोकस के, वो थोड़े बहुत मिलते जुलते थे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। नाउ निमोनियोकोकस इज नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरफॉर्मिंग एंड कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अब निमोनियोकोकस इज नॉन मोटाइल मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूव नहीं कर सकते। अब जनरली बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करने के लिए चाहिए होता है पिलाए और फ्लैजेला, ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स की जरूरत होती है उन्हें। लेकिन न्यूमोकोकस में ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स अब्सेंट होते हैं, इसलिए वो होते हैं नॉन मोटाइल। साथ ही वो है नॉन स्पोर फॉर्मिंग, इसका मतलब कि ये कोई भी तरह का स्पोर फॉर्म नहीं करते, इसलिए इसे कहा गया है नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। और साथ ही ये है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, इसका मतलब कि बैक्टीरिया की आउटर साइड एक थिक कैप्सूल बनी हुई है और इसलिए इसे कहा जाता है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। नाउ दे मे बी एरोबिक और फैकल्टेटिव एनएरोबिक इन नेचर। इट इज नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ ह्यूमन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है हमारा, यानी कि ह्यूमन बींग्स का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। न्यूमोकोकस बैक्टीरिया मे बी एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ निमोनिया, ओटाइटिस, साइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, मेनिंजाइटिस एंड अदर इन्फेक्शंस लाइक अर्थराइटिस, कंजक्टिवाइटिस एंड सुपुरेटिव लीजन्स। तो ये सारे इन्फेक्शन और डिसीजेस हैं जिसका कॉजिटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो यहाँ पर एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं डायग्राम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सेल्स है, दो कोकाई के सेल्स हैं यहाँ पर, इसलिए इसे कहा जाता था डिप्लोकोकस। और स्ट्रेप्टोकोकस मतलब ये शॉर्ट चेन्स बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं कहीं जगह पर दो शॉर्ट चेन्स भी बने हुए हैं और उनका जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक भी सेम होता है, इसलिए उनका नाम दिया गया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो ये था माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो चलिए अब इस वीडियो में हम थोड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 9 पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ और वो है मॉर्फोलॉजी। तो इस ऑर्गेनिज्म की डिटेल्स हम देख रहे हैं, तो देखेंगे मॉर्फोलॉजी, कल्चरल कैरेक्टर्स, बायोकेमिकल रिएक्शंस, रेजिस्टेंस, टॉक्सिन्स एंड अदर वायरुलेंस फैक्टर्स, पैथोजेनिसिटी, एपिडेमोलॉजी, लेबोरेटरी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो चलिए एक के बाद एक इन सभी चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है मॉर्फोलॉजी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी आर ग्राम पॉजिटिव लैंसेट शेप बैक्टीरिया विथ वन एंड ब्रॉड और राउंडेड एंड अदर एंड पॉइंटेड। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था लैंसेट शेप मतलब किस तरह के होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनका एक साइड राउंडेड या फिर चौड़ा होता है और दूसरा साइड होता है पॉइंटेड, उन्हें कहा जाता है लैंसेट शेप। दे यूजुअली ऑकर इन पेयर्स एज वेल एज दे ऑल्सो ऑकर इन शॉर्ट चेन्स। अगर आप पेयर्स में ऑब्जर्व करते हैं मतलब दो कोकाई सेल्स एक साथ हैं, तो उसे कहा जाता है डिप्लोकोकस। और अगर आप इन कोकाई सेल्स को एक चेन की तरह देखते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन में, तो उसे कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस।
दे आर स्मॉलर देन 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो अब यह कोकाई सेल्स ही हैं, तो अब इनका मेजरमेंट किया जाता है उनका डायमीटर मेजर करके। तो इनकी साइज जो है वो है 1 माइक्रोमीटर से भी छोटी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनकी साइज कितनी छोटी है। दे आर नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन मोटाइल इन नेचर, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। दीज सेल्स आर कैप्सुलेटेड सेल्स एंड कैन बी मेड विजिबल बाई यूजिंग कैप्सूल स्टेनिंग मेथड्स। अब बहुत सारे कैप्सूल स्टेनिंग मेथड्स हैं, तो आप किसी भी मेथड से इन सेल्स को स्टेन कर सकते हैं क्योंकि ये कैप्सुलेटेड सेल्स है और इन्हें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे ये सेल्स, दिस सेल्स आर रेडिली स्टेन बाय ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। तो अगर आप सिंपली ग्राम स्टेनिंग भी करेंगे तो भी ये सेल्स आपको आराम से माइक्रोस्कोप में दिख जाएंगे। अब सेकेंड वन है कल्चरल कैरेक्टर्स। न्यूमोकोकाई बैक्टीरिया रिक्वायर एनरिच्ड कल्चर मीडिया फॉर इट्स ग्रोथ। अब पहली बात तो न्यूमोकोकाई बैक्टीरिया है ह्यूमन पैथोजन, और फर्स्ट ऑफ ऑल वो रहते हैं हमारे ह्यूमन बॉडीज के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और जब वो ह्यूमन बींग्स के बॉडीज में रहते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब जब हम इन बैक्टीरिया को बाहर कल्टिवेट करेंगे हमारी लैब में, तो उन्हें हमें उस तरीके के न्यूट्रिएंट्स देना भी जरूरी है, तो ही वहाँ उनकी ग्रोथ होगी। इसीलिए न्यूमोकोकाई बैक्टीरिया को एनरिच्ड कल्चर मीडिया प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी अच्छे से ग्रोथ हो। अब आगे दे मे रिक्वायर एनारोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर इट्स ग्रोथ इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड दे कैन ग्रो इन टेम्परेचर रेंज ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है 37 डिग्री सेल्सियस। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिनमें इन बैक्टीरिया की मैक्सिमम ग्रोथ होगी, ओके? तो वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर। और अब न्यूमोकोकाई का ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बींग्स का, वो ही उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और वो एक जो टेम्परेचर की कार्डिनल रेंज है उनकी, द लोवेस्ट टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। बोलते तो ये टेम्परेचर रेंज में भी वो इजीली ग्रो हो सकते हैं। द ऑप्टिमम पीएच इज 7.8 एंड कैन ग्रो एट अ पीएच रेंज ऑफ 6.5 टू 8.3। सिमिलर पीएच, ऑप्टिमम पीएच रेंज है 7.8। इनिशियली आफ्टर इंक्यूबेशन ऑफ 18 आवर्स द डोम शेप कॉलोनी शो एरिया ऑफ ग्रीन डीकलराइजेशन, आफ्टर फर्दर इंक्यूबेशन ऑन ब्लड अगार कॉलोनीज बिकम फ्लैट। तो अब जब सबसे पहले हम इन्हें ब्लड अगार पर आइसोलेट करते हैं और 18 आवर्स के लिए इंक्यूबेट कर देते हैं, और इंक्यूबेशन 18 घंटों के इंक्यूबेशन के बाद एक डोम शेप की कॉलोनी बनती है, और इस डोम शेप की कॉलोनी के आजू बाजू ग्रीन डीकलराइजेशन होता है, ओके? और जब आगे हम इन्हें री इंक्यूबेट करते हैं ब्लड अगार पर, तो ये कॉलोनीज हो जाती हैं फ्लैट। तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर भी है और कल्चरल कैरेक्टर भी है। नाउ इन एनएरोबिक कंडीशन न्यूमोकोकाई कॉलोनी शो अल्फा जोन हीमोलाइसिस जोन ऑन ब्लड अगार। ऑफकोर्स ये एक ह्यूमन पैथोजन है तो ये हीमोलाइसिस जोन दिखाएगा ही। तो जब हम न्यूमोकोकाई कॉलोनी को ब्लड अगार पर एनएरोबिक कंडीशंस में आइसोलेट करते हैं तो वो अल्फा जोन ऑफ हीमोलाइसिस दिखाता है। नेक्स्ट वन है इन ग्लूकोज ब्रॉथ यूनिफॉर्म टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व। द कोकाई अंडरगो ऑटोलाइसिस बाय इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स। द ऑटोलाइसिस ऑफ सेल इज एनहांस्ड बाय सोडियम लॉरियल सल्फेट सॉल्यूशन एंड अदर सरफेस एक्टिव एजेंट्स। अब कोकाई सेल्स खुद की ऑटोलाइसिस मतलब खुद ही मर जाते हैं। उनके जो कुछ ऐसे इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स वो प्रोड्यूस करते हैं कि जिनके वजह से वो सेल ही मर जाते हैं। तो ये ऑटोलाइसिस जो सेल का प्रोसीजर होता है वो और एनहांस भी कर सकते हैं SLS सॉल्यूशन मतलब सोडियम लॉरियल सल्फेट सॉल्यूशन से और कई सारे सरफेस एक्टिव एजेंट्स। अब जो लास्ट हमारा वीडियो था कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय यूजिंग केमिकल सब्सटेंसेस, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स का काम क्या है, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। अब थर्ड वन है हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन।
अब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन को जब हम आइसोलेट करते हैं तो कई सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस या कई सारे बायोकेमिकल टेस्ट कह सकते हैं आप, वो हम कैरी करते हैं, मतलब किए जाते हैं. नाउ निमोकोकाई फर्मेंट इन्यूलिन एंड दिस फर्मेंटेशन डिफरेंशिएट्स निमोकोकस फ्रॉम अदर स्ट्रेप्टोकोकाई. अब निमोकोकाई जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इनका एक कैरेक्टर है कि ये इन्यूलिन का फर्मेंटेशन करते हैं, मतलब इन्यूलिन को फर्मेंट करते हैं. और ये फर्मेंटेशन एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है स्ट्रेप्टोकोकाई और निमोकोकस में. ओके, नाउ इट ऑल्सो फर्मेंट्स मेनी शुगर रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड नो गैस. तो अब कई सारे शुगर्स के टेस्ट भी किए जाते हैं, शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट किए जाते हैं. तो अगर ये कोई शुगर्स को फर्मेंट भी करता है तो सिर्फ ये एसिड प्रोड्यूस करता है और गैस प्रोड्यूस नहीं करता. नेक्स्ट है न्यूमोकोकाई सोल्यूबिलाइज बाइल कॉन्स्टेंटली. सो इट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर्ड इन डायग्नोसिस. इफ वी एड 10% ऑफ सोडियम डीऑक्सीकोलेट सोल्यूशन टू न्यूमोकोकाई कॉलोनी द कॉलोनी वाइप्स आउट इन मिनट्स ड्यू टू लाइसिस ऑफ सेल एज वेल एज इफ वी डिड इट इन ओवरनाइट इनक्यूबेटेड ब्रॉथ ऑफ न्यूमोकोकाई कल्चर वी गेट अ क्लियर ब्रॉथ ड्यू टू लाइसिस ऑफ सेल. अब इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताती हूँ. अब जो न्यूमोकोकाई ऑर्गेनिज्म है इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसे बाइल सॉल्ट्स के कांटेक्ट में अगर इसे बाइल सॉल्ट्स मिल जाते हैं तो ये उन्हें यूटिलाइज करना चालू करता है. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 10% सोडियम डीऑक्सीकोलेट सॉल्यूशन, ये एक बाइल सॉल्ट का सॉल्यूशन है, इसे हम हमारे न्यूमोकोकाई के कॉलोनी पर ऐड करेंगे. ओके, तो कॉलोनी पर ऐड करते ही मिनटों में वो कॉलोनी ही खत्म हो जाती है, मतलब लाइसिस होता है वहां पर सेल्स का, सेल्स मर जाते हैं. और या तो आप इसे कोई भी एक इनक्यूबेट मतलब कल्चर ट्यूब है सपोज न्यूमोकोकाई की, उसमें ये सॉल्यूशन ऐड कर दीजिए उस ब्रॉथ में और इनक्यूबेट कर दीजिए ओवरनाइट के लिए, और नेक्स्ट डे जब आप इसे देखेंगे तब भी आपको क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये बाइल सॉल्ट एक्सपोज होते हैं इन इस बैक्टीरिया को, तो ये बैक्टीरिया का क्या करता है, वो बाइल सॉल्ट को यूटिलाइज करने के लिए जाता है. और ये यूटिलाइज करने के बाद एक टॉक्सिक एंजाइम आप कह सकते हैं कि एंजाइम सिक्रीट करता है, ऑटोलाइसिस एंजाइम, और जिसके वजह से ये बैक्टीरिया के सेल्स मर जाते हैं. ये एक्टिवेट कर देता है उन एंजाइम्स को ये बाइल सॉल्ट की, और उस एक्टिवेटेड एंजाइम्स की वजह से ये सेल्स मर जाते हैं. इट शोज कैटालेज एंड ऑक्सीडेज टेस्ट निगेटिव. ओके, द नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंस. Pneumococci are heat sensitive organism. Its thermal dead point is 52 degree Celsius for 15 minutes. अगर आप इस organism को 52 degree Celsius के temperature पर expose करेंगे 15 minute के लिए तो ये organism मर जाएंगे. So they are heat sensitive. It is sensitive to antibiotics as well as antiseptics. The pneumococci strains are maintained by lyophilization or by inoculating in semi-solid blood agar. Prolonged incubation kills bacterial cells due to production of toxic peroxides. अगर आप इन bacterial cells को ज़्यादा समय के लिए incubate करेंगे तो वो toxic peroxides secrete करेंगे, produce करेंगे, और वो cells उसी toxic peroxide से मर जाएंगे. These strains are sensitive to many antibiotics like penicillin, amoxicillin and clavulanic acid. Nowadays, many penicillin-resistant and multi-drug-resistant pneumococcal strains have become a global threat. तो आपने सुना ही होगा सुपरबग के बारे में. वो एक ऐसे बैक्टीरिया बन रहे हैं जो म्यूटेट हो रहे हैं, आप कह सकते हैं, या तो फिर म्यूटेट भी नहीं कह सकते, वो ड्रग रेजिस्टेंट हो रहे हैं. आप कोई भी ड्रग दे दो, कोई भी एंटीबायोटिक दे दो, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है. तो इसी तरह का क्या हो गया है कि न्यूमोकोकाई के बारे में जब हम निमोनिया और बहुत सारे डिसीजेस जो न्यूमोकोकाई से होते हैं उन डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन दे रहे हैं लोगों को, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे सेंसिटिविटी उनकी खत्म हो गई है, वो मर नहीं रहे हैं. तो ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बनती जा रही है. तो आगे निमोकोकाई इज सेंसिटिव टू केमिकल सच एज ऑक्टोफिन एंड इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल निमोकोकल इन्फेक्शंस. अब जहाँ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट निमोकोकल स्ट्रेन्स बन रहे हैं तो वहाँ पर क्या किया जा रहा है, ऑक्टोफिन नाम का एक केमिकल है जिससे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव है, इसलिए वो केमिकल यूज किया जा रहा है ट्रीटमेंट्स के लिए. आगे है टॉक्सिन्स एंड अदर वायरुलेंस फैक्टर्स. The virulence depends on capsule and toxin
प्रोडक्शन कॉल्ड एज न्यूमोलाइसिन। अब वायरुलेंस मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज फॉर्म करने के लिए, या फिर कोई बैक्टीरिया का पार्ट या फिर उनके टॉक्सिन्स जो वो प्रोड्यूस करते हैं वो होता है वायरुलेंस फैक्टर। तो यहाँ पर जो वायरुलेंस फैक्टर है वो है कैप्सूल और एक टॉक्सिन जो ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, और उस टॉक्सिन का नाम है न्यूमोलाइसिन। नाउ द कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड ऑफ न्यूमोकोकाई इज एसिडिक एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर, सो दीज सेल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। अब जो कैप्सूल है, जो न्यूमोकोकाई की कैप्सूल है, वो पॉलीसेक्राइड है नेचर में, वो हम सब जानते हैं। और न्यूमोकोकाई की जो कैप्सूल है उसकी मेन प्रॉपर्टीज है वो एक तो एसिडिक है और उसे हाइड्रोफिलिक एंड्स है। आप जानते हैं हर चीज को एक हाइड्रोफोबिक या तो फिर हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं, तो इसे है हाइड्रोफिलिक एंड्स, तो जिसके वजह से क्या होता है वो बच जाते हैं फैगोसाइटोसिस के मैकेनिज्म से। अब जब वो हमारे ब्लड में सपोज इन्फेक्शन हो गया है, अब हमारे ब्लड के जो सेल्स हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स है और बहुत थोड़े बहुत सेल्स होते हैं जो फैगोसाइटोसिस का, स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल्स ही जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टीज की वजह से वो बच जाते हैं। न्यूमोकोकाई प्रोड्यूसेस न्यूमोलाइसिन, इट इज द मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन एंड शोज साइटोटॉक्सिसिटी। ओके, आगे है न्यूमोकोकल ऑटोलाइसिन एक्ट्स एज वायरुलेंस फैक्टर इन्वॉल्व इन ऑटोलाइसिस एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू वायरुलेंस। अब आगे है पैथोजेनेसिटी, इंट्रापेरिटोनियल इनोकुलेशन इन माइस एंड रैबिट कैन कॉज अ फैटल इन्फेक्शन एंड डेथ कैन ऑकर इन 1 to 3 days। अब जनरली इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो कैरी आउट किए जाते हैं वो जानवरों पर किए जाते हैं। अब यहाँ पर लिया है माइस और रैबिट, तो क्या किया जाता है, इनोकुलेट जब हम करके देखते हैं इस बैक्टीरिया को इन ऑर्गेनिजम्स में, तो उनके इंट्रापेरिटोनियल रीजन में उन्हें इनोकुलेट किया जाता है, मतलब एब्डोमिनल रीजन में। तो जब हम इन्हें इनोकुलेट करते हैं तो एक फैटल मतलब डेडली इन्फेक्शन हो जाता है और ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये 1 to 3 days में मर जाते हैं। नाउ न्यूमोकोकस कैन लोकलाइज इन ह्यूमन नेजोफेरिंग्स एंड कैन इन्फेक्ट मिडल ईयर एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर ह्यूमन बींग में वो ये ऑर्गन्स है जैसे कि नेजोफेरिंग्स, मिडल ईयर और रेस्पिरेटरी ट्रैक, यहाँ पर उनका इन्फेक्शन होता है। जनरली इन्फेक्शन इज इंडोजीनस बट हाईली वायरुलेंट स्ट्रेन्स कैन ऑल्सो कॉज एक्सोजीनस इन्फेक्शन। न्यूमोकोकाई आर अ कॉज ऑफ निमोनिया एंड ब्रोंको निमोनिया। तो ये दो चीज़ें जो मैंने पहले भी कहा था ये बहुत इफेक्ट करती हैं, ये डिसीजेस हमें निमोनिया और ब्रोंको निमोनिया, स्पेशली बच्चों में तो ये बहुत ही ज़्यादा होती है। न्यूमोकोकाई आर एसोसिएटेड विथ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग लास्टिंग ब्रोंकाइटिस। देन मेनिंजाइटिस इज द मोस्ट डेंजरस एंड सीरियस न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। तो सबसे ज्यादा खतरनाक और डेंजरस इन्फेक्शन है मेनिंजाइटिस। अब आगे है एपिडेमोलॉजी, द सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ कैरियर और वी कैन से द पेशेंट दैट इज सफरिंग फ्रॉम न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। अब जिसे निमोनिया हो गया समझो, या कोई भी निमोकोकल बैक्टीरिया की वजह से कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, वो पेशेंट इट्सेल्फ एक कैरियर है, वो पेशेंट के पास वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिससे कि वो दूसरों को इफेक्ट कर सकता है। ओके, स्पेशली ह्यूमन बींग्स में जब निमोनिया होता है या निमोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो ज़्यादा इन्फेक्ट होता है और वही है कैरियर। ओके, तो वो पेशेंट जो सफ़र कर रहा है इस डिसीज से, न्यूमोकोकल डिसीज से, वो कैरियर है इस डिसीज का। द ट्रांसमिशन कैन ऑकर बाय इनहेलेशन ऑफ कंटामिनेटेड ड्रॉपलेट और ऑफ कैरियर। अब किसी को निमोनिया हो गया तो अगर वो छींकेगा या बात करते समय उसके मुंह से थोड़े से छोटे से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे या छींकेगा, तो वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो अगर एक हेल्दी पर्सन उन्हें इनहेल कर ले तो वो भी कंटामिनेट हो जाता है, मतलब वो भी इन्फेक्शन में आ गया। अब ये हो गया ट्रांसमिशन। Now, disease result when the immunity of a person is low and the person gets infected with pneumococci. The physical condition of human beings such as viral infection, stress, immunodeficiency, malnutrition, congestion increase the chances of infection. अब ये निमोनिया कब होता है, यानी कि ये डिसीजेस कब होती है निमोकोकल से, ये तब होती है जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है, और स्पेशली ये बच्चों में इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी
बहुत कम होती है, इसलिए वो एक इजी टारगेट है। और जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर भी निमोनिया होता है, वो एक सेवरल कंडीशंस में होता है, जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाए किसी वायरल फीवर की वजह से, या आप स्ट्रेस में हैं, कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी है आपके पास हो गई है आपको, या माल न्यूट्रिशन है, कंजेशन है, तो इन सभी चीज़ों के वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। द स्पूटम सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट, द स्पूटम सैंपल इज होमोजेनाइज्ड एंड ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर इज कैरिड आउट। अब क्या होता है, स्पूटम सैंपल लिया जाता है, उसे होमोजेनाइज किया जाता है और फिर उसकी की जाती है ग्राम स्टेनिंग। नाउ आफ्टर होमोजेनाइजेशन इट इज इनोकुलेटेड ऑन ब्लड अगार फॉर 37 to 24 आवर्स एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो होमोजेनाइजेशन के बाद में क्या किया जाता है कि इसे इनोकुलेट किया जाता है ब्लड अगार पर 37 डिग्री सेल्सियस पर 24 आवर्स के लिए। इन केस ऑफ इन्फेंट सीरम कोटेड लैरिंग स्वैब्स आर यूज्ड। ग्राम स्टेनिंग CSF इज यूज्ड फॉर प्रिजम्प्टिव डायग्नोसिस ऑफ मेनिनजाइटिस एंड ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई आर ऑब्जर्व। तो ये है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। और साथ ही कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड्स आर डेमोन्स्ट्रेटेड बाई यूजिंग ब्लड यूरिन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दी सैंपल्स अंडरगो काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये कई सारे लेबोरेटरी डायग्नोसिस में एक तो सैंपल्स की कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उनकी ग्राम स्टेनिंग होती है, उन्हें आइसोलेट किया जाता है, अलग अलग टाइप के प्रोसीजर्स, केमिकल टेस्ट किए जाते हैं। तो इतना लास्ट है ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट आर पेनिसिलीन एंड अमोक्सिसिलीन। इफ द स्ट्रेन्स आर रेजिस्टेंट टू अदर एंटीबायोटिक्स लाइक एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन्स आर यूज्ड। अब जनरली पेनिसिलिन और एमोक्सिसिलिन यूज किया जाता है, और अगर ये स्ट्रेन्स रेजिस्टेंट हो गए हैं तो दूसरे एंटीबायोटिक्स जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर सीरियस इन्फेक्शंस हो तो वेंकोमाइसिन और सिफालोस्पोरिन ड्रग्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं।